के साथ, पहले ये पैसा बाहर भेजा, अब पैसा बाहर भेजने के लिए इनको मुल्कदारों को कमजोर करना पड़ता है। ये मुल्क के पहले एफबीआर के ऊपर अपना आदमी रखाते हैं, ये फिर नैब के ऊपर अपना आदमी रखवाते हैं, एफआईए के ऊपर अपना आदमी रखवाते हैं। फिर जब ये देखते हैं कि उसके बावजूद पकड़े जा सकते हैं, कानून बदलते हैं अपनी चोरी बचाने के लिए, नैब के कानून बदलते हैं। जब ये नैब के कानून बदलते हैं, सुने, तब भी नहीं ये खुश होते, फिर इनको अपने जज रखने पड़ते हैं। सज्जाद अली शाह जस्टिस, एक ईमानदार चीफ जस्टिस था, इन्होंने डंडों से सुप्रीम कोर्ट पे हमला करके उसको भगाया, क्योंकि ईमानदार चीफ जस्टिस को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे ये जजेस के अंदर तकसीम करते, क्योंकि चोरी बचानी है, इनको अपने जज चाहिए, इनको अपने एफआईए का हेड चाहिए, क्योंकि नहीं तो जो मकसूद चपरासी के 4 अरब रुपए आए थे, अगर एफआईए गैर जानबदारी से अगर वो तफ्तीश करे तो पकड़ा जाएगा शहबाज शरीफ, तो अपना एफआईए का हेड बैठाया, अपना नैब का हेड, अपने जजेस के ऊपर ये पूरा कोशिश करते हैं अदालतों को अपने साथ मिलाने की, तकसीम करने की, इनका सारा माजी है। अपने आईजी रखते हैं, ये आईजी भी वो रखते हैं जिस तरह इस्लामाबाद का, जिसके ऊपर करप्शन का केस था, 2 नंबरों को रखते हैं ताकि कंट्रोल कर सके, ताकि वो इंसाफ ना दें, इनको ये कंट्रोल करें। ये अपना आर्मी चीफ रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। मेरिट की कत्लेआम होती है, कानून की बालादस्ती तबाह होती है, जंगल का कानून आ जाता है, और फिर जब ये इनकी चोरी जब कोई नहीं पकड़ता तो किसी भी ताकतवर की चोरी नहीं पकड़ी जाती, मुल्क लूटा जाता है, मुल्क मकरूज हो जाता है। जब जनरल मुशर्रफ ने इन दोनों डाकुओं को एनआरओ दिया 2008 में, क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ उसके बाद, 4 गुना कर्जा बढ़ा पाकिस्तान का, 6000 अरब से जो 60 सालों में पाकिस्तान का कर्जा था 6000 अरब, ये जब 2 डाकू खानदान आए, 10 सालों में हमारा कर्जा 4 गुना बढ़ के 30000 अरब पे पहुंचा, और उसकी कीमत कौन अदा कर रहा है, आप अदा कर रहे हैं, महंगाई के जरिए आप अदा कर रहे हैं। कौम ऐसे तबाह होती है, कौमों को कोई बैरूनी दुश्मन इस तरह तबाह नहीं करता जिस तरह अंदर इस मुल्क में बैठे हुए मीर जाफर और मीर सादिक तबाह करते हैं, कोई दुश्मन की जरूरत नहीं होती। और इसलिए आप सब तैयारी करें, मैं आपको कॉल दूंगा, और वो ज्यादा देर नहीं है, मैं तैयारी पूरी देख रहा हूं, मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं, मैं कॉल दूंगा, लेकिन उससे पहले ये सारे चोर जमा होके हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये मुझे और मेरी पार्टी को किसी तरह पब्लिक की नजर में गंदा करें। और वो क्या कर रहे हैं, गंदी गंदी वीडियो तैयार कर रहे हैं, गंदी गंदी वीडियो, वो डीप फेक वीडियोस मैं भी आपको दिखाऊंगा, वो घर में बैठ के नई टेक्नोलॉजी के जरिए गंदी वीडियोस, और फिर टेप्स लगा रहे हैं, ऑडियो टेप्स। मैं अदालत में जा रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उसके घर की जो सिक्योर लाइन थी, किसने उसकी टेप की और फिर लीक कैसे हुई, किसने की,
चले, अगर आप सर्वेलेंस भी करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर की कॉल्स की, करें, लेकिन उनको लीक करना